आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 27 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवैध लोन और सट्टेबाजी एप्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के तहत इन्हें सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करने और हटाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने सभी डिजिटल मध्यस्थों को मौजूदा आईटी नियमों का सक्रिय रूप से पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यह विशेष तौर पर गलत सूचना और डीप फेक के संदर्भ में थी। एडवाइजरी के अनुसार प्लेटफॉर्म को यूजर्स को घोटाला करने और गुमराह करने की क्षमता वाले अवैध लोन और सट्टेबाजी एप्स के किसी भी विज्ञापन की अनुमति न देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए, जिसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की होगी। यह एडवाइजरी डीप फेक, गलत सूचना और अवैध लोन और सट्टेबाजी एप्स के प्रसार जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार के निर्णायक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है, जो सभी डिजिटल नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। यह यात्रा दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई यह यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गयी है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्वसहायता समूहों से जुड़ी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कल महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी जिले में व्यापक स्वागत किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने संकल्प यात्रा का पथारी समुर्गवन गांव में स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर कराड़ ने कहा कि इस यात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा रथ वाहन मात्र नहीं है, बल्कि अमृत कलश है। डॉक्टर कराड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और शुक्रवार को मुख्य सचिवों के तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप देने के लिए सहभागी प्रशासन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सुगम जीवन सुनिश्चित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए आज जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जम्मू पहुंचते ही रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजौरी उच्च सेक्टर में जमीनी हालात का मुआयना करने के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था और वह डेरा की गली में उस स्थान पर भी गए थे जहां आतंकी हमले में 4 बहादुर जवानों की जान चली गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 27 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नागरोटा कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और वरिष्ठ कमांडर जमीनी हालात से रक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे। राजभवन में श्री सिंह की अध्यक्षता में होने वाली एक बैठक में राजौरी और पुंछ जिलों के साथ ही जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों से आतंकवादियों के सफाये के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा सकती है। हाल के दिनों में जवानों पर बढ़ते हमलों के बीच सेना पुंछ राजौरी सेक्टर में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि वहां पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों को रोका जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 450वें सिलेंडर 1 जनवरी से मिलेगा। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को रसोई गैस पर सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने विकसित संकल्प भारत यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं जो कहते हैं। लखपति दीदी योजना पर कहा कि कम से कम 2 करोड़ बहनों को लखपति देखना चाहते हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा, मुझे प्रसन्नता का अनुभव है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आकर हमारी योजनाओं की क्रियान्वयन कितना हुआ, इसका मूल्यांकन भी करना है। सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना का दिया उदाहरण। सीएम ने कहा कि गांव में बैठा अंतिम पायदान पर बैठा आदमी किसी भी कीमत पर न छूटे। सीएम ने कहा कि गांव में कोई बुजुर्ग बीमार लोगों का भी ध्यान रखेंगे, हम देश के नागरिक हैं, उनका ध्यान रखें। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगी कल्याण संस्थाओं और 16 बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की।
बैठक में विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने सभी पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वर्तमान में सत्ता के गलियारे भ्रष्टाचार और बिचौलियों से पूरी तरह मुक्त हैं और कानून के समक्ष समानता और जवाबदेही जमीनी वास्तविकता है। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 15 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी और भ्रष्टाचार के बिना कोई भी काम पूरा होना संभव नहीं था। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 27 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा को लेकर कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन लोगों ने इस विचार को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक न्याय सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। इससे पहले आज कांग्रेस ने 14 जनवरी से 28 मार्च तक राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा की। पार्टी प्रवक्ता के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में संपन्न होगी तथा 14 राज्यों और लगभग 85 जिलों से होकर गुजरेगी। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में आज कोहरे की मोटी चादर छाई रही। दिल्लीवासियों की सुबह धुंध भरी रही और आने कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली आने वाली और यहां से रवाना होने वाली रेलगाड़ियां कोहरे और कम दृश्यता की वजह से देरी से चल रही हैं। उत्तरी रेलवे ने बताया कि 25 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। करीब 110 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, जिनमें आरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। दिल्ली विमानपत्तन की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि हवाई अड्डे पर विमानों का उतरना और उड़ान भरना जारी है, लेकिन कैट 3 का अनुपालन नहीं करने वाले विमान प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों से उनकी उड़ान की ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा जा रहा है। कैट 3 का पालन करने वाले विमानों में एक प्रकार के उपकरण होते हैं, जिनकी मदद से विमान कोहरे, बर्फ और बारिश जैसी कम दृश्यता वाली स्थितियों में भी उतर सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कोहरे के मद्देनजर आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जब दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच होती है तो इसे घने कोहरे की श्रेणी में रखा जाता है। मौसम विभाग ने कहा है कि घने कोहरे में प्रदूषण वाले कण और अन्य प्रदूषक होते हैं और ये मनुष्य के फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे खांसी, छींक आने और सांस लेने में कठिनाई जैसी दिक्कतें आती हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अधिक समय तक आने कोहरे में रहने से उन लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिन्हें दमा और सेहत संबंधी अन्य परेशानियां हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब के अनेक भागों तथा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने की 30 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमोत्तर भारत पर पड़ सकता है। अगले 5 दिनों तक देश के उत्तरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 27 दिसंबर 2023 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 28 दिसंबर 2023 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिंटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।